आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। पहला मेथड तो थोड़ा आसान होगा, दूसरे में मेन मेन हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th सर्कल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिगर नजर आ रही है सभी को? ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड टीपी इज द टेंजेंट। टीपी टेंजेंट है एट एक्सटर्नल पॉइंट टी। एंगल पी बी टी 30 डिग्री गिवन है। प्रूव दैट बी ए रेशियो ए टी 2:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो मेथड से मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से, सभी ध्यान से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक थ्योरम बताने वाला हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट। थ्योरम कह लो या अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होता है? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आराम से। अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होता है कि अगर कोई कोड, मान लो ये वाली कोड है हमारी ए बी और बी पे टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल इस कोड का एंगल टेंजेंट के साथ ए बी सेगमेंट से दूसरी तरफ इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा। बस इतना बहुत है कि अगर कोई कोड टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है तो वो एंगल उसी कोड के साथ अल्टरनेट सेगमेंट मतलब दूसरी तरफ जो एंगल बनाएगी उस एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है वैसे ये, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखें यहाँ पे, तो ये एंगल 30 है, ये ए पी कोड है और ए पी कोड है, ये ए पी कोड है, तो ये टेंजेंट के साथ इतना एंगल बना रही है ये वाला एंगल, और यही कोड अनदर सेगमेंट में ये वाला एंगल बना रही है। तो इसका मतलब एंगल ए बी डी इक्वल टू ए पी डी, ये मेन बात है जो आपको यहाँ पे समझनी है। तो ये 30 डिग्री हो गया और इसको लिखेंगे अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, एंगल लिख दो इतना ही बहुत है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल बी पी ए 90 है, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 90 है, तो ये एंगल निकाल लेंगे, एंगल बी ए पी 180 माइनस 30 माइनस 90। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल पी ए टी 180 माइनस 60 120 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पे। तो इस ट्रायंगल में हमने ये एंगल 30 निकाल दिया, ये 120, अब हम ये एंगल निकाल सकते हैं बड़ा आराम से। तो अब इन ट्रायंगल पी ए टी एंगल पी टी ए कितना हो गया, 180 माइनस 30 प्लस 20, 120, 30 डिग्री। तो एंगल ए पी टी इक्वल टू ए पी टी इक्वल टू ए टी पी, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, दोनों 30 डिग्री है ये वाले, ये और ये। तो इसका मतलब पी ए इक्वल टू ए टी। तो पहला काम हमारा यहाँ पे था पी ए इक्वल टू ए टी दिखाना। रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स,
सही है। अब आगे करते हैं, बस तो छोटा सा काम है इसके बाद, इसलिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूं ताकि फिगर आपको दिखती रहे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज करेंगे। इन ट्राइंगल एपीबी, ये एंगल 90 है, ये 30 है और ये 60 है। तो देखो इसमें अगर हम ले ले पी ए, पी ए अपॉन ए बी, तो कितना होगा पी ए अपॉन ए बी, कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, तो पी ए को हम लिख सकते हैं ए टी, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव करा था और नीचे हो गया हमारा ए बी। और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो बी ए अपॉन टी ए इक्वल टू 2:1, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अल्टरनेट सेगमेंट से हमने क्या किया, पहले ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल निकाल लिया, 30 डिग्री हो गया। फिर ये एंगल 90 है, ये 30 है तो ये 60, इन दोनों का सम 120 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये 120 हो गया। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 30 30, तो पी ए इक्वल टू 80 हमने यहाँ पे पहले प्रूव किया था। उसके बाद इसी ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पी ए अपॉन ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 30, और फिर हमारा आंसर आ गया जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज करके ये वाला क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड मेथड का बताना चाह रहा हूँ एक बार, तो वो देख लेते हैं। हालांकि उससे आसान नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है तो रफ फिगर बना लेते हैं जल्दी से। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा बी ए टी पी, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है और हमें निकालना पी ए अपॉन ए टी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये रेडियस है। ये मैं पूरा आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो ओरली समझा रहा हूँ, फिगर से ही समझाऊंगा बस, वहीं से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया 30 30 60 120, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये हम पहले ही बता चुके हैं ये वाला भी 60 डिग्री था हमारा, ठीक है। ये 60 क्यों था, क्योंकि एंगल बी 30 और ये वाला एंगल 90, तो ये 60। अब इस वाले ट्रायंगल में ये 60 ये 60, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया, क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो ट्रायंगल AOP is equilateral, ठीक है। अब ये equilateral है, तो OP कितना है, OA कितना है हमारा, OA radius है, तो OA, OP और AP ये सब हमारे radius के equal हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आगे करते हैं, अगर अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम का यूज करोगे आप, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 120 है और ये 30 है, तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो पी ए इक्वल टू 80 हम ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये भी हमारा आर का इक्वल हो गया।
तो ये आसान तरीका हो गया, उससे शायद आप देख लेना जिसको जो अच्छा लगे। तो बी ए अपॉन ए टी हमें फाइंड करना है, तो बी ए कितना है, आर आर दो बार रेडियस है, डायमीटर है, और ए टी कितना है, ये भी आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, 2:1। तो बी ए अपॉन ए टी 2:1 हो गया, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है, पहले वाला आपको ज्यादा आसान लगेगा इसलिए उससे ही कर सकते हैं, अदरवाइज जिसको सॉल्व करना हो इससे उससे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।